ठीक जब हम हमारी यात्रा किसानों से बातचीत कर रही थी, राहुल जी किसानों से बात कर रहे थे, उसी वक्त इस देश के दूसरे हिस्से में किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, सड़कों पर दीवार खड़े किए जा रहे हैं। अगर इस सरकार का बस चलता तो शायद चीन की दीवार सड़क पे ला करके बना देते। किसान फसल बोते हैं, धान खेत में लगाते हैं, सरकार उनके खिलाफ कीलें लगा रही हैं सड़कों पर। और हम सरकार से बस यही कहना चाहते हैं, साहब ऑलरेडी किसान के आंसू निकल रहे हैं, अलग से आंसू गैस का गोला मारने की जरूरत नहीं है उनके ऊपर। उनका आंसू जो है कोई पोछने वाला नहीं है। और इस देश में जो अन्नदाता हैं, अन्नदाता अपनी परेशानियों को लेकर के बरसों से संघर्ष कर रहे हैं। एक सीधा सा सवाल है कि आप एक कानून लेकर के आए, तीन कानून लेकर के आए, विधान लोकसभा से राज्यसभा से उसको पास कराया और फिर सरकार उस कानून को वापस ली, और उस कानून को वापस कराने के लिए किसानों ने आंदोलन किया, 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसान को नहीं समझा पाए। भैया ऐसा कौन सी भलाई आप करना चाहते हैं जो किसान नहीं चाहते हैं? आप जबरदस्ती जो है उनकी भलाई करना चाहते हैं। तो जब नेगोशिएशन हुआ, बातचीत हुई, तो किसानों ने कहा कि आप हमको एमएसपी की गारंटी कीजिए। और उस नेगोशिएशन के बाद, सरकार के आश्वासन के बाद, बातचीत के बाद, किसान आंदोलन वापस लिए और इस उम्मीद में थे कि एमएसपी की गारंटी होगी, एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलेगा और नए फसलों की भी, जहां पर एमएसपी से खरीद होती है वहां अन्य फसलों को भी एमएसपी के तहत लाया जाएगा। इस सवाल पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। देखिए मजेदार बात यह है कि सब कुछ बताया जा रहा है, किसान उग्र हैं, किसान आंदोलन के लिए सड़क पे आ रहे हैं, किसान तैयारियां कर रहे हैं, सरकार जो है दीवार खड़ा कर रही है, कील बिछा रही है, आंसू गैस के गोले मार रही है। मुद्दा नहीं बताया जा रहा है कि आखिर किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके इस वक्त जब यह सरकार जाने वाली है, ये किसान क्यों आ रहे हैं सड़क पे? क्योंकि उनसे वादा खिलाफी किया गया है, उनको झूठ बोला गया है। जो वादा सरकार ने किया उसको पूरा नहीं किया है। वादा क्या था कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा और फसल की खरीद की गारंटी होगी। ये एक बात जो है वो देश की जनता को नहीं बताया जा रहा है। इसीलिए आपके माध्यम से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो 5 न्याय हैं, युवा का न्याय, हिस्सेदारी का न्याय, नारी का न्याय, किसान का न्याय और श्रमिकों का न्याय, उसमें एक प्रमुख है किसान का न्याय। हम किसान की इस मांग के साथ खड़े हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर इस देश में 14.5 लाख करोड़, याद रखिएगा 14.5 लाख करोड़ चंदादाताओं का कर्जा माफ किया जा सकता है, तो अन्नदाताओं का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। अगर आप बड़े धन्ना सेठों को, अपने मित्रों का कर्जा माफ कर सकते हैं, तो आपको किसान पुत्रों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। क्योंकि अन्नदाताओं के बिना कोई देश नहीं चलता है। अगर आप कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, इकॉनमी बढ़ रही है, तो उसका एक हिस्सेदारी आपको इस देश के किसानों को भी देना पड़ेगा। क्योंकि ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आज किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता है। इसलिए नहीं बनना चाहता है कि किसानों को अपनी ही काम के चलते, अपने ही पैसे के चलते, मजबूरी में, कर्ज के दबाव में, अपनी ही खेत में, अपने ही पेड़ पे जो है लटक करके फांसी देनी पड़ती है। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि 1 घंटे में दो किसान आत्महत्या करते हैं देश के किसी न किसी कोने में। इसीलिए आप सबके माध्यम से भारत जोड़ो न्याय यात्रा किसान न्याय के पक्ष में खड़ी है। और यह सरकार जो दमनात्मक कार्रवाई कर रही है किसानों के साथ, ये अच्छा नहीं है। अगर आप किसानों का आंसू नहीं पोंछ सकते हैं, तो उनके ऊपर आप जो है आंसू गैस के गोले छोड़ना बंद कीजिए। क्योंकि अगर वो आपका आंसू निकालने लगे ना, फिर आपका आंसू आपका दोस्त नहीं पोंछ पाएगा। पिछले कुछ सालों में इस देश में जो भी स्वतः स्फूर्त आंदोलन हुए बिना किसी पार्टी का, उस आंदोलन से निकले हुए लोग आज राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं। उनके नेतृत्व में जो है वो इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग बार बार कहते हैं कि इस देश में आज की तारीख में एक विचारधारात्मक लड़ाई है। एक तरफ बेचने वाले लोग हैं, दूसरे तरफ बचाने वाले लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। बचाना क्या है? देश की संस्कृति, इतिहास, संविधान, इसके जो मूल्य हैं लोकतांत्रिक, इसकी रक्षा करनी है। सबका देश है
और सबके लिए हमको सोचना पड़ेगा, देश के नाम पे दोस्तों की जो राजनीति हो रही है ना, दो चार दोस्तों की, उससे क्या है कि सत्ता का भी केंद्रीकरण हो रहा है, धन का भी केंद्रीकरण हो रहा है, और इस गलत नीति के चलते ही बेरोजगारी बढ़ रही है। इसीलिए हम इस देश के बेरोजगार नौजवानों से अपील करते हैं कि जय जवान के तहत इस देश में जो लोग आर्मी की सेवा करना चाहते थे, जिनकी नौकरी हो गई और उनको जो है नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, जो रिक्तियां हैं 10 लाख से ज़्यादा केंद्रीय जो विभाग हैं उसमें, राज्यों में जो रिक्तियां हैं, तो मैं इस देश के नौजवानों से भी अपील करता हूं कि आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटे में 2 नौजवान भी आत्महत्या कर रहे हैं किसान की तरह, तो आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। भूख से और बेकारी से तड़प कर मरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मरना ही है तो अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करके जो है अपनी जो है बलिदान देना है। तो युवा जुड़ रहे हैं, भारी संख्या में जुड़ रहे हैं, और ये तथ्य के आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ कि युवाओं के किसी भी प्रोटेस्ट को जानबूझ करके जो है नहीं दिखाया जाता है। आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं से देख लिया होगा, भारी संख्या में लद्दाख के नौजवान जो है अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर आए, भारी संख्या में बिहार और उत्तर प्रदेश में रेलवे भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवान सड़कों पर आए। अग्निवीर अग्निपथ योजना जब लाई गई उस वक्त भारी संख्या में नौजवान जो है सड़कों पर आए। और आप मध्य प्रदेश, आपका पड़ोसी राज्य है, उसकी बात करें, पटवारी घोटाला जब हुआ तो भारी संख्या में जो है नौजवान सड़कों पर आए। जितने कृषि विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालय में जो गड़बड़ियाँ हैं उसके खिलाफ भारी संख्या में जो है विद्यार्थी सड़कों पर आए। और इन आंदोलनों में, स्वतः स्फूर्त आंदोलनों का जो चेहरा है, जो इसमें काम करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको एक व्यक्ति पे भरोसा दिख रहा है, वो व्यक्ति है राहुल गांधी। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं जब देश में बह रही हो अन्याय की आंधी, न्याय के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी। और हर नौजवान जो न्याय चाहता है, जो चाहता है कि इस देश में प्रेम हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो, एकता हो, वो तमाम लोगों को एकजुट होकर के साथ आने की ज़रूरत है, और साथ लोग आ रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन इतनी कमज़ोर थी तो क्यों इंडिया के जो अलायंस पार्टनर थे उनको हर हाल में भाजपा अपने साथ लाना चाहती थी? मैं आपको बस एक चीज का याद दिलाना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन की जब पहली मीटिंग हुई तो बीजेपी की तरफ से नारा आया एक अकेला, एक अकेला। बब्बल तो आप अकेला क्यों है, मोदी जी शादीशुदा आदमी है, क्यों ही आप अकेला हैं? फिर भी नारा लगाया गया कि एक अकेला। फिर आनन फानन में जो एनडीए कहीं खो गया था मोदी जी के उस प्रचार के बीच में, कहीं गुम हो गया था, तो जो है फिर से एनडीए की आनन फानन में बैठक बुलाई गई। और आप 28 पार्टी कह रहे हैं, 28 पार्टी से ज़्यादा पार्टियों को जो है आमंत्रित किया गया एनडीए की बैठक में, और उससे मन नहीं भरा। इंडी अलायंस बोलते रहे, अटैक करते रहे, इंडिया बात पे बोलते रहे, और कोशिश करते रहे कि कैसे कांग्रेस के नेताओं को और इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों को अपने साथ लाया जाए। मैं मानता हूं कि अगर ये इतने मजबूत हैं तो इनको ये सब करने की क्या ज़रूरत है, इसका मतलब ये मजबूत नहीं है। ये परसेप्शन जो है बहुत चालाकी से देश में बनाया गया है कि कांग्रेस जो है कमज़ोर हो गई। एक बात मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब देश गुलाम था तो मोदी जी से पहले लॉर्ड कर्जन बोला करता था कि इस कांग्रेस को हम घिसट करके मरते हुए देखना चाहते हैं, ये लॉर्ड कर्जन के शब्द हैं। आज एक लॉर्ड दुर्जन है, वो भी कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहते हैं। ना कर्जन का सब सपना पूरा हुआ था, ना दुर्जन का सपना पूरा होने वाला है, मार्क माय वर्ड, लिख लीजिए। इस 5 राज्य के चुनाव में ही जहां इतना ढिंढोरा पीटा गया ना कि कांग्रेस हार गई, उस 5 राज्य के चुनाव का अगर कुल वोट जोड़ेंगे तो 9,000 वोट ज्यादा हमको आया है बीजेपी से। और राजस्थान में एक बाय इलेक्शन हुआ तुरंत मुख्यमंत्री बनने के बाद, और उस आदमी को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करके, चुनाव चल रहा था और मंत्री बना दिया गया, वो चुनाव हार गई बीजेपी। अगर ये इतने मजबूत हैं तो चंद्रबाबू नायडू के पांव में क्यों लटके हुए हैं? जिस जयंत चौधरी को डंडों से पिटवाया किसान आंदोलन में, आज जो है चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे रहे हैं और उनको अपने साथ ले रहे हैं। नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं बोला, क्या नहीं बोला, व्यक्तिगत जो है चरित्र पे उंगली उठाई, घोटालेबाज कहा, मर्डरर कहा, और आज वो जो बीजेपी का नेता है, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, वो मुरेठा बांध करके घूम रहा था, अब जो है उनके बगल में शपथ ले रहा है। इतनी मजबूत है बीजेपी, ये सिर्फ झूठ बोलने में मजबूत है। कांग्रेस पार्टी जो काम करती है और कांग्रेस पार्टी जहां तक है, अगर वो संगठित हो करके
इस परसेप्शन की वॉर को लड़ने लगे बीजेपी कहीं नहीं टिकेगी। और एक बात याद रखिएगा, बड़ी चालाकी से इस देश में एक साजिश रची गई है, धीरे 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 करके एक संगठित अपराध के तहत गांधी और गांधी के मूल्यों के खिलाफ हमारे दिमाग में भरा गया। क्या भरा गया? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। साहब, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है? मजबूती का नाम महात्मा गांधी होता है? आज के डेट में एक दरोगा के सामने किसी को खड़ा होने की हिम्मत नहीं होती है, और जो है जिस साम्राज्य का सूरज नहीं डूबता था उसके सामने वो आदमी बिना जो है हथियार के खड़े हो गए सत्य और अहिंसा के दम पे। ये तब भी अंग्रेजों से नहीं लड़े थे और ये आज भी, और प्रधानमंत्री जी के सामने जैसा कि पिताजी ने भाषण दिया पार्लियामेंट में, क्या कहा, जो इतिहास नहीं पहचानते हैं वो खत्म हो जाते हैं। नहीं पहचाने थे आप इतिहास? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस ने हिस्सा नहीं लिया था और आज भी आप इतिहास नहीं पहचान रहे हैं अगर आप मोदानी के साथ खड़े हैं। देखिए, ताकतवर के साथ खड़ा हो जाना ना इतिहास बनाना नहीं होता है, कमजोर के साथ खड़ा होना इतिहास बनाना होता है। और ये देखिए पूरा तंत्र लगाए हुए हैं एक व्यक्ति राहुल गांधी के पीछे। एक तरफ कहते हैं कि उनके पास कुछ है ही नहीं, उनकी पार्टी कमजोर हो गई है, जनता उनके समर्थन में नहीं है, तो सारा का सारा तंत्र उनके पीछे क्यों लगाए हुए हैं? ईडी, सीबीआई, मीडिया, नैरेटिव मेकर, सारा तंत्र एक आदमी के पीछे क्यों? क्योंकि न्याय की ताकत होती है ना, कि अन्याय का अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक दीपक से जो है ना उस अंधेरे को का मुकाबला किया जा सकता है। मैं कह रहा हूं कि ये पूरी तरह से परसेप्शन मैनेजमेंट है कि कांग्रेस खत्म हो गई या कांग्रेस खत्म हुई कांग्रेस के नेताओं को ले रहे हैं आप, बताइए। राज्यसभा दे रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, जिसको परिवारवादी कहते हुए मुंह नहीं थकता था प्रधानमंत्री का, उसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कराए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो परिवारवादी थे और वहां जाकर के समाजवादी हो गए हैं। ये बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रहा है। मैं कहता हूं कांग्रेस जो है वो इस देश की पार्टी है। देश के लोग जब इससे दूर हो जाते हैं तो थोड़ा कमजोर हो जाती है। देश के लोगों को जब अपना हक और अधिकार याद आता है, इसमें शामिल होते हैं, तो ये मजबूत हो जाती है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास, एक बात याद रखिएगा, किसी व्यक्ति का और किसी विचारधारा का इतिहास नहीं है, इस देश के आधुनिक इतिहास के साथ कांग्रेस का इतिहास कदम से कदम मिला के चलता है।